नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रांची में महिलाओं के लिए विशेष दो पिंक सिटी बस सर्विस की शुरुआत शुक्रवार को की गई। इसी मौके पर रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार, मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजय विजयवर्गीय के सहित रांची नगर निगम के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मेयर आशा लकड़ा ने रांची की महिलाओं के लिए डेडिकेटेड बस सेवा प्रारंभ की। यह बस सेवा कचहरी चौक से राजेंद्र चौक के बीच चलेगी। यह बस की सेवा सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक चलेगी। ये बस कम से कम 5 ट्रिप लगाएंगी। प्रति यात्री भाड़ा 5 रुपए लगेगा। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि आने वाले समय में पिंक सिटी बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। पिंक सिटी बस के परिचालन होने से रांची की महिलाएं सुरक्षित माहौल में एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकती हैं। हर क्षेत्र में बस दौड़ पाए और महिला के लिए स्पेशल हो पाए, ये हम लोग ने प्रयास किया है और इसके लिए हम लोग बजट में भी कहीं ना कहीं प्रावधान कर रहे हैं ताकि रांची शहर में ये बसों को भी हम लोग सीएनजी पीएनजी के माध्यम से जोड़ देंगे। सीएनजी के माध्यम से जोड़ेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा और महिलाओं के हेल्थ के लिए, महिला के स्वास्थ्य के लिए, हर के लिए बहुत सुविधा होंगे। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे बीच में महिला कंडक्टर भी हैं और महिला कंडक्टर पूरा समय दिन भर के लिए रहेंगी। दूसरी बात है, हम ड्राइवर के लिए भी महिलाओं को ट्रेनिंग कराएंगे ताकि बस परिचालन में महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।